हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट ऑफ डायरेक्शन इन आवर ज्योग्राफी चैप्टर फोर मैप. वी आल्सो रीड इन दिस चैप्टर व्हाट इज मैप, टाइप्स ऑफ मैप एंड कंपोनेंट्स ऑफ मैप. यस्टरडे वी रीड कंपोनेंट्स ऑफ मैप फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस एंड टुडे वी लर्न सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन. So let's start. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. So student, direction means होता है दिशा. तो अधिकतर जो मानचित्र होते हैं या map होते हैं उसके ऊपर right side में हम एक तीर का निशान बना होता देखते हैं जिसके ऊपर लेटर लिखा होता है एन, मीन्स एन. और यह दिस एरो शोस द नॉर्थ डायरेक्शन. एन मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये जो एरो का निशान होता है ये उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है. इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन और इसे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं. व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. अगर आपको ये नॉर्थ जो है इसके बारे में आप जानते हैं कि किस तरफ है तो आप दूसरी दिशा जैसे ईस्ट, वेस्ट और साउथ है इसके बारे में पता लगा सकते हैं. देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. फिगर 4.2, अगर आप फिगर 4.2 में ये जो चार डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इसके बारे में आप देख सकते हैं. ये फिगर 4.2 यहाँ पे है कॉर्डिनल डायरेक्शन में, ये इस तरीके से बना हुआ है. यहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये जो इसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो फोर डायरेक्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा ये फोर और दिख रहे हैं, जैसे ये नॉर्थ में और इधर ईस्ट के बीच में ये एन ई, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ये जो फोर डायरेक्शन के बाद ये एक्स्ट्रा और फोर डायरेक्शन है इनको हम कॉर्डिनल पॉइंट कहते हैं. अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. ये कॉर्डिनल पॉइंट है. वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विथ द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. तो ये जो चार मुख्य दिशा तो हम जान गए कि कौन कौन से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम. और उनको जो कॉर्डिनल डायरेक्शन है उनके साथ दिखाया जाता है, और बीच में जो चार दिशाएं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं. फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1. यहाँ फिगर 4.1 में आपको कहा जा रहा है कि इन दिशा कौन सी दिशा किस तरफ है, कौन सी ये जो है किस दिशा की तरफ है, ये पता लगाने के लिए कहा जा रहा है. ये आप जो कॉर्डिनल डायरेक्शन है इसकी हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि कौन, जैसे ये करीम का घर है, शीला का घर है, विकास का घर है, ये कौन सी दिशा में, ये शॉप इनके घर से कौन सी दिशा में. अगर ये कॉर्डिनल डायरेक्शन का आपको नॉलेज है तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा जगह है. वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास. हम ये कंपास, यहाँ एक कंपास का फिगर है, इस कंपास के थ्रू हम किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं. अब ये कंपास होता क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन. ये जो कंपास है इसकी ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं. इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसका जो ये जो कंपास है इसमें एक मैग्नेटिक पॉइंट होता है जो कि हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर ही ये घूमता है. मतलब आप इस कंपास को कहीं भी ले जाके रखेंगे
जहाँ आपको डायरेक्शन नहीं पता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें एक मैग्नेटिक पॉइंट होता है जिसकी मैग्नेटिक निडल होता है, ये निडल जैसा दिख रहा है, इसके सहायता से ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये स्थिर रहेगा। आप कहीं भी चले जाएंगे, अगर आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है तो आप इजीली फिर ईस्ट और वेस्ट को पता कर सकते हैं। इनको कैसे, जैसे ये नॉर्थ और साउथ है, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ है, तो इसके हमेशा लेफ्ट साइड में, इस साइड में ईस्ट होगा और इस साइड में वेस्ट होगा। तो इसीलिए कहा गया कि कंपास के थ्रू आप इजीली डायरेक्शन को, अगर नॉर्थ साउथ पता चल गया तो आप सारे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। सो आई होप ये कंपोनेंट्स ऑफ मैप के डायरेक्शन पार्ट में इतना ही है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।